मसनूआत की कीमतों में रातों रात इजाफा कर दिया गया। 9 रुपए 14 पैसे इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 108 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। 4 रुपए 89 पैसे इजाफे के साथ डीजल 122 रुपए 32 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 7 रुपए 46 पैसे महंगा हो गया। अपोजिशन का पेट्रोल कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं रमजान से पहले कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाएगी, महंगाई का सुनामी सब कुछ बहा ले जाएगा। नू लीग पंजाब के सदर राणा सनाउल्ला कहते हैं मुल्क पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह IMF की हुकूमत मुसल्लत हो गई। सेनेटर श्री रहमान कहती हैं हुकूमत सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाने में लगी है, 10 माह बाद भी मुल्क को मुआशी बहरानी का सामना है। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान नहीं। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। खलीजी रियासतों में पहला रोजा कल होगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी चांद का तनाजा खत्म करने के लिए मैदान में आ गए। 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। पार्को महकमा मौसमियात और टेक्नोलॉजी के माहिरीन शामिल होंगे। 10 साल के चांद का कैलेंडर जारी किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं हर साल पैदा होने वाला तनाजा खत्म हो जाएगा। रमजानुल मुबारक से पहले ही मुनाफा खोर मैदान में आ गए। इतवार बाजारों में फल और सब्जियों की कीमतें आसमान तक जा पहुंची। मुनाफा खोरों ने खाने पीने की अशिया जखीरा कर ली। लगाम देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अहलम के इलाके सोहावो में यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। इमरान खान तकरीब से खिताब भी करेंगे। गुजरांवाला के अवान चौक में एक किनाल जमीन का झगड़ा। चचा ने सुलह के बहाने घर आकर भतीजे और उसकी बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लांजी में कराची शहर की फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया। पुलिस ने दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान दूध की दुकान पर लूट मार कर रहे थे। और एबटाबाद के पहाड़ों की 10 साल सलीना ख्वाजा ने कामयाबी की नई तारीख रकम कर दी। गलियात की चोटी मैरन जानी को 100 मरतबा सर कर लिया।